गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ब्लॉगिंग की सीरीज में आगे और वीडियो लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि ब्लॉगिंग जो है उसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, किस लैंग्वेज के अंदर आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो ये मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और यहां पर सबसे पहले जो है आपको आपका जो ब्लॉग लिखने जा रहे हो, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, पहले आपको यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप लिखने वाले हो कि उसके रीडर्स जो हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर वो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप जो है ज्यादा चीजें बढ़ सकते हो। और अगर कहीं आप एब्रॉड किसी दूसरे से, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हो, चाइना के लिए कर रहे हो, या किसी और कंट्री यूएस के लिए कर रहे हो, राइट, तो हर कंट्रीज की अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज चाइनीज का, उसके अंदर ही ब्लॉग बनाते हैं ताकि वहां पर उनको कंटेंट जो है वो ज्यादा मिले और उसी के अंदर वो अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं। वैसे ही इंडिया के अंदर हम बात करें तो पहले जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही हमें जो है पूरा का पूरा ब्लॉग्स बनाने होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो हिंदी के अंदर जो है ब्लॉगिंग करते हैं। और गूगल की एक रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है, क्लियर करा गया है कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो ब्लॉग्स हैं वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन भी जस्ट 1% है। तो यहां पर अगर आपका टारगेट ऑडियंस इंडिया है, राइट, तो अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया का टारगेट ऑडियंस है तो आपको जो है हिंदी के अंदर आप जो है काफी अच्छे से कंटेंट रेडी कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो चीजें हैं बहुत सारी भरी पड़ी हैं। आप एक बार इंग्लिश में सर्च करके देखें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंग्लिश के अंदर, एक एक चीज काफी बार हर वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन वहीं पे अगर आप हिंदी के लिए सर्च करोगे तो हिंदी के अंदर सर्च करने के लिए आपको बहुत कम ब्लॉग मिलेंगे जो हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो है अपने ब्लॉगिंग करते हैं। तो यानी कि अगर आप भी हिंदी लैंग्वेज में अगर यूज करोगे हिंदी लैंग्वेज का तो आपके लिए बेनिफिट क्या है। अब गूगल के सर्वे के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि हिंदी जो आपका कंटेंट है इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। यानी कि अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करें तो अब हिंदी को ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं और फास्ट कंज्यूम हो रहा है, और वहीं पे आपके लिए कंपटीशन भी कम है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, जितने भी इंग्लिश के अंदर जो ब्लॉग्स बने हुए हैं उनमें से बहुत आसानी से आपको कंटेंट मिल जाएगा। आपको उन सारे इंग्लिश कंटेंट्स को आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिख के अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करना है तो यहां पर आपके लिए कंटेंट की भी समस्या खत्म हो जाती है, राइट। तो अगर आप यहां पर हिंदी लैंग्वेज में करते हैं इंडिया के अंदर तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर आप इंग्लिश के अंदर करना चाहते हैं तो फिर जो आपके चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट, ये सब चीज के लिए आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर एक सक्सेसफुल ब्लॉगर जो है आप उसके अंदर बन सकते हैं, आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हिंदी के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके लिए कंटेंट को जनरेट करना कोई बड़ा काम नहीं है, आपको को बड़ी रिसर्च नहीं करनी है, बहुत सिंपल तरीके से आपको कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बस आपको उसको कन्वर्ट करके हिंदी के अंदर अपने ब्लॉग के अंदर पब्लिश करना है। तो आई एम श्योर कि आपको किस लैंग्वेज के अंदर जो है ज्यादा काम करना है वो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।